हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हीरालाल दुबे और आप देख रहे हैं डायमंड आर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि ये वीडियो क्यों होने वाली है, किस लिए होने वाली है। और मैं इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ ये तो सबसे मेन बात है, बाकी मेरी किसी से भी पर्सनली दुश्मनी नहीं है। सो गाइस, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो मैंने 3-4 महीने पहले पेपर बाय किए थे, आपको पता होगा कि मैं मार्केट से कुछ सामान लाया था ड्राइंग का, और मैंने दिखाया भी था, वीडियो भी बनाई थी। बट आपको एक चीज़ के लिए मैं मना करूँगा उस वीडियो में से, गाइस ये पेपर कभी मत ख़रीदना। ये आपको दिखा देता हूँ, ये वाली काटी शीट, ये कभी मत ख़रीदना, बिकॉज अभी आपको पता लग जाएगा पूरी वीडियो पर जब मैं चलाऊँगा। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसे मत ख़रीदना, क्योंकि ये जो पेपर है इस पर चाहे लाइट पेंसिल चलाओ चाहे डार्क पेंसिल चलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाकी आप एक बार ये एक्सपीरियंस करके देख भी सकते, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो। अब बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ रीज़न ऐसा क्यों नहीं है ये, और कितना बेकार है कितना अच्छा है, अभी आप खुद देख लीजिए। सो गाइस, अब हम आ गए हैं पेपर की तरफ, और ये रखा आपके सामने पेपर। अभी मैं इस पर आपको ट्रायल करके दिखाऊंगा कि कैसी ड्राइंग बनती है, या फिर कैसा पेपर है, रफ है कैसा है। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अप्सरा की 2H पेंसिल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, बस इसी वजह से मेरे को इस पेपर पे कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। इस पे एक बात है, जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे रियलिस्टिक तो बनेगी, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे रियलिस्टिक बनती जाएगी वैसे वैसे वो फटती जाएगी धीरे धीरे, और उसमें रफनेस आती रहेगी, खुदरा सा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, नहीं पूरा ही। वैसे इस पे वाटर कलर करोगे तो ही बढ़िया होगा ये वाटर कलर पे, और बाकी कोई भी पेंसिल यूज़ कर लो आप इस पर, कोई भी आर्ट लाइन की, अप्सरा की, फैबर कासल की, अदर में जो भी। सो गाइस, मैं इस रफनेस की बात कर रहा था, ये देखो ये होता रहता है इस पेपर में, और इसी वजह से मैं ये पेपर नहीं लेता। ये 10B की पेंसिल चली हुई है शायद, गाइस ये इतना रफ होने के चक्कर में ख़राब है ये पेपर, इसलिए अब से मैंने सोच लिया कि ये पेपर नहीं लाऊंगा। मेरे लिए तो आइवरी पेपर वैसे बढ़िया रहते हैं, और उन्हीं पे ही पेंसिल कलर ड्राइंग और अप्सरा की ड्राइंग पेंसिल से वही सब अच्छी रहती हैं। बाकी तो इस पेपर में अब से मैं वाटर कलर ही करा करूँगा। अगर आप ये ख़रीद रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वाटर कलर कर लीजिए, वाटर कलर में कोई दिक्कत नहीं आ रही इस पेपर में। एंड मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।